हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर रेसिपी विद पीवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पीनट चाट की रेसिपी। रिमझिम बारिश में आप ये चाट बनाकर खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और इसे बनाने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगने वाला है। तो चलते हैं किचन में और पीनट चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, कढ़ाई, मोटे तलवे वाला कढ़ाई है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हम डाल देंगे पीनट यानी कि मूंगफली। तो यहाँ पे तेल देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का सा मैंने गर्म किया था। गैस का फ्लेम मैं यहाँ पे बिल्कुल लो रख रही हूँ। लो फ्लेम पे पीनट को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने अब गैस का फ्लेम जो है थोड़ा सा मीडियम किया है, मीडियम टू लो है। तो बस फ्लेम को ध्यान में रखते हुए आपको पीनट को फ्राई करना है। मूंगफली फ्राई करना थोड़ा टफ़ होता है और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत टफ़ है, क्योंकि मैं जब भी मूंगफली फ्राई करती थी, मतलब जब मैं छोटी थी या मतलब काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, तो मैं हमेशा मूंगफली या तो जला देती थी या कच्चा छोड़ देती थी। मुझे मूंगफली अच्छे से फ्राई करने आता ही नहीं था। बट मुझे पता चला एक ट्रिक कि जब ऑयल जो है ना हल्का गर्म हो, मतलब उसे गर्म होने ही नहीं देना है जब हमें मूंगफली को ऑयल में डालना है, और धीमी आंच पे मूंगफली को हल्का हल्का चलाते हुए फ्राई करना है। उससे मूंगफली बहुत अच्छे से फ्राई होती है। तो बस देखिए मैं कितने अच्छे से धीमे धीमे आंच पर चलाते हुए मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ। तो आपको भी इस तरीके से फ्राई करना है, जिससे कि मूंगफली अंदर से भी पक जाए, ऊपर से भी इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। जब मूंगफली अच्छे से फ्राई होती है ना, तो खाने में इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल क्रिस्पी करारी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है मूंगफली खाने में। और अगर मूंगफली अच्छे से फ्राई ना हो तो फिर तो खाने का कोई मज़ा ही नहीं होता है। तो जब हम चाट बना रहे हैं तो मूंगफली को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। तो बस मूंगफली को चलाते हुए हम फ्राई करेंगे बिल्कुल धीमी आँच पर। यहाँ पर देखिए मूंगफली का जो कलर है वो लगभग चेंज होने लगा है, और यहाँ पे मूंगफली अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। देखिए मैं इसे अब ऑयल से निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से चम्मच से निकालने से इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए कलर भी चेंज हो गया है मूंगफली का, और ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो गई है। और उसके बाद क्या करेंगे, गर्मा गर्म मूँगफली को हम एक बाउल में डाल देंगे, और पूरा मूँगफली नहीं डालना है, जितना प्लेट आपको चाट बनाना है उतना ही मूँगफली डालना। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट चाट बना रही हूँ, तो मैंने एक प्लेट के हिसाब से ही मूँगफली डाला है, वरना मूँगफली जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने खीरा, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची को बारीक बारीक कट कर लिया है, और हम मूंगफली में एक एक चम्मच सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। एक साथ में मिक्स करने से मूंगफली जो है सॉफ्ट हो जाएगी, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जितना आपको बनाना हो चाट उस हिसाब से सारी चीज़ों को डालें। तो मैंने एक एक चम्मच सभी चीज़ों को डाल दिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे चाट मसाला। तो यहाँ पर छोटे चम्मच से आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने काला नमक डाला, और आधा छोटा चम्मच डालेंगे हम प्लेन वाला सिंपल नमक जो हम घर में खाते हैं डेली यूज़ में। और यहाँ पे मैंने 2 पिंच डाल दिया है लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च और हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी चाट है। और अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू का रस इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो अच्छे से हो गया मिक्स, फटाफट से कर लेते हैं इसे सर्व। ऊपर से मैं इसमें सेव स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और लुकिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये लीजिए पीनट चाट 5 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं, देखने में जितनी टेम्पटिंग दिख रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, और टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी भी है।
अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, उनको भी बहुत पसंद आएगा। बट नींबू का रस ज़रूर डालिएगा, उससे और भी टेस्टी लगता है। बट मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।